नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी। अब एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाए होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787 7325052437। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, किस देश ने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा है? ए अमेरिका, बी थाईलैंड, सी पोलैंड या डी इंग्लैंड। नवगछिया, सुरेश भगत के समर्थन में वैश्य समाज ने निकाला जुलूस। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से लोजपा प्रत्याशी सुरेश भगत के समर्थन में मंगलवार को संपूर्ण वैश्य समाज में एक जुलूस निकाला। सुरेश भगत को जिताने के उद्देश्य से नौगछिया बाजार के दुर्गास्थान चौक स्थित धर्मशाला में बड़ी संख्या में समाज के लोग जुटे और सबने एक स्वर में समर्थन की बात कही। संपूर्ण वैश्य समाज के प्रदेश अध्यक्ष वैश्य पुत्र रवि रंजन गुप्ता ने कहा कि यही सही समय है एकजुटता दिखाने का। वक्ताओं ने कहा कि वैश्य समाज ने हमेशा देने का काम किया है, अब समय भागीदारी का है। साहू स्टेट के अवधेश साहू ने कहा कि समाज के बीच के व्यक्ति को आपके आशीर्वाद और साथ की जरूरत है। इस मौके पर वैश्य समाज के महामंत्री प्रवीण भगत, सचिव राम कुमार साहू, वैश्य शिरोमणि दयाराम चौधरी, प्रदेश प्रवक्ता सुहास वर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज कुमार भारती, युवा कार्यकारी अध्यक्ष अमित भगत, प्रदेश युवा उपाध्यक्ष चिराग गुप्ता, प्रमंडलीय अध्यक्ष राजेश मणि, जिला अध्यक्ष चंद्रगुप्त शाह के अलावा अशोक जायसवाल, राजकिशोर आर्य, अजय शंकर प्रसाद, संजय भगत, कृष्ण कुमार भगत सहित कई व्यवसायी मौजूद। मैं देख रहा हूँ, मैं लगभग 40 वर्षों से निस्वार्थ क्षेत्र में जनता के सुख दुख में लगातार गतिशील रहा और मैंने यह महसूस किया कि जनता चुनाव में तो अपना प्रतिनिधि विधायक चुनते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद विधायक जनसेवक की जगह प्रशासक बन जाते हैं। मैं आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आपकी शक्ति ने जो मुझे जिताने के लिए आगे आया है, मैं जीतने के बाद गोपालपुर की जनता का प्रशासक नहीं, मैं गोपालपुर जनता की सेवक बनूंगा और हर सुख को पुरस्कार कराऊंगा। इस बार जनता ने भी मन बनाया है कि मैं वैसे प्रतिनिधि को गोपालपुर का प्रतिनिधित्व सौंपूंगा जो 500 साल जनता के हर सुख दुख में साथ साथ चलेंगे। इसलिए निश्चित रूप से इस बार गोपालपुर की जनता मुझ पर भरोसा कर हमें बंगला छाप पर अजय बहुमत से विजय बनाने का काम करेगा और मैं 5 साल तक कभी आपको धोखा नहीं दूंगा, यही मेरा वादा। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद। नवगछिया के नगर पंचायत में राजपा प्रत्याशी ने किया सघन जनसंपर्क। नवगछिया के 153 गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के नगरा में राजपा प्रत्याशी ने सघन जनसंपर्क किया। मौके पर राजपा के प्रत्याशी संजीव कुमार सिंह उर्फ जाबू ने बताया कि उन्हें हर प्रखंड के हर पंचायत के मतदाता के द्वारा भरपूर वोट देकर उन्हें विजयी बनाएंगे। वहीं मौके पर श्री सिंह ने कहा कि नगरा पंचायत सहित आसपास के क्षेत्र में बाढ़ और कटाव से जो गाँव के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है उसे जरूर दुरुस्त किया जाएगा। वे हमेशा विधानसभा क्षेत्र के लिए दिन रात जनता की सेवा में लगे रहेंगे। अपना परिचय देना चाहता हूँ, मेरा नाम संजीव कुमार सिंह, राष्ट्रीय जनजन पार्टी का उम्मीदवार हूँ और मेरा जनसंपर्क रंगरा, इस्माइलपुर, गोपालपुर इन सब प्रखंडों में लगभग हर एक गांव में घर घर जाकर मैंने जनसंपर्क किया है और लोगों की राय जो है मेरे प्रति
बहुत ही पॉजिटिव है और लोग मुझे सब पार्टी को देखते हुए उन सब से हट के मैं अपना जो एजेंडा उनके सामने रख रहा हूँ, मेरी जो व्यक्तिगत छवि है उनको मालूम है और उन छवि पर वो हमारे प्रति आकर्षित होकर मुझे चाह रहे हैं और हर जगह मुझे सम्मान के दृष्टि से सभी का सम्मान मिल रहा है। सभी हम नवगछिया भाजपा की बैठक, बाबुल बने ग्रामीण मंडल अध्यक्ष। नवगछिया में भारतीय जनता पार्टी के जिला पदाधिकारी और मोर्चा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष संयोजक सहित प्रखंड अध्यक्ष महामंत्री की एक बैठक मंगलवार को पार्टी कार्यालय में जिला अध्यक्ष विनोद मंडल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया कि सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर NDA गठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। बैठक में नवगछिया ग्रामीण के प्रखंड अध्यक्ष बबलू चौधरी को मनोनीत किया गया। मौके पर उपस्थित कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। बीपुर में पुलिस द्वारा की गई हत्या मामले में पुलिस का पक्ष। हत्या के मामले में आरोपी दरोगा फरार घोषित, कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी। आशुतोष की पिटाई कर हत्या मामले में आरोपी दरोगा रंजीत कुमार सहित बीपुर थाने में प्रतिनियुक्त 2 होमगार्ड और 1 चौकीदार को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए जांच के बाद नवगछिया पुलिस ने फरार दरोगा रंजीत कुमार को फरारी घोषित कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस की टीम दरोगा रंजीत कुमार की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही रंजीत कुमार को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। मामले में एक SIT का गठन किया गया है जिसमें नवगछिया के SDPO दिलीप कुमार, नवगछिया बीपुर के सर्किल इंस्पेक्टर खरीक के थाना अध्यक्ष व अन्य पुलिस पदाधिकारी को शामिल किया गया है। इधर मामले में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीम ने बीपुर थाना व घटना से संबंधित अन्य जगहों पर जाकर फॉरेंसिक जांच के लिए साक्षी को एकत्रित किया है। वहीं नवगछिया के SP स्वप्नाजी मिश्रा ने कहा कि मामले को गंभीरता से लेते हुए आम लोगों को आश्वस्त करना चाह रही हूँ कि हर हालत में आशुतोष की हत्या में शामिल लोगों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानून हाथ में लेने का कोई भी हो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। SP ने कहा कि जल्द ही मामले में आरोपित रंजीत कुमार की गिरफ्तारी की जाएगी। नवगछिया रंगरा के भवानीपुर गांव के पास सड़क हादसे में चिकित्सक व उसकी पुत्री घायल। रंगरा के भवानीपुर गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर हुए सड़क हादसे में गोपालपुर थाना क्षेत्र के सैदपुर निवासी चिकित्सक डॉक्टर सतीश कुमार और उनकी पुत्री साक्षी प्रिया घायल हो गए हैं। जानकारी मिली है कि एक अज्ञात वाहन के धक्के से चिकित्सक का मोटरसाइकिल असंतुलित होकर गिर गया और मोटरसाइकिल पर सवार चिकित्सक डॉक्टर सतीश और उनकी पुत्री घायल हो गए। घटनास्थल के पास से ही गुजर रहे विधानसभा के जनाधिकार पार्टी की प्रत्याशी सबाना आजमी ने वाहन से दोनों को इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया जहां दोनों का इलाज किया गया। बीहपुर हरियो के कोसी नदी में डूबने से बच्ची की मौत। बीहपुर प्रखंड के हरियो पंचायत के कोसी पार वार्ड नंबर 1 के गांव आहुति में दुर्गा पूजा का मेला देखने जा रहे बच्चे की मौत रविवार को हो गया। मृतक बच्चे की पहचान शैलेश चौधरी के 6 वर्षीय पुत्र नीलेश कुमार के रूप में की गई। कृपया ध्यान दें कि अब खबर 1 मिनट के विज्ञापन के बाद प्रारंभ होगा। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295830773, 93043-67-170। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन के सामने, नवगछिया। गोपालपुर CISF जवान को चौकीदार की हत्या के मामले में भेजा जेल। गोपालपुर थाना क्षेत्र के गोसाई गांव के चौकीदार रमेश यादव की हत्या के मामले में CISF जवान बालकृष्ण को गोपालपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार पिछले वर्ष चौकीदार रमेश कुमार दास को बालकृष्ण व उसके परिजन ने गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। लंबे समय तक इलाज कराने के बावजूद उनकी मृत्यु कुछ दिन पूर्व हो गई। ढोलबज्जा 2 मोटरसाइकिल के आमने सामने की टक्कर में एक की गई जान, दूसरा घायल।
बाबा विसू राउत पुल के संपर्क पथ श्रीपुर के पेट्रोल पंप समीप सोमवार की सुबह दो मोटरसाइकिल के आमने सामने की हुई टक्कर में गिरकर जख्मी हुए एक बाइक सवार की जान चली गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल है। घायल बाइक चालक युवक बोड़वा टोला कदवा निवासी बबलू व पारो मिस्त्री के भांजे कोकाय कुमार हैं, तो वही दूसरा परबत्ता निवासी आशीष मंडल के पुत्र बिट्टू कुमार हैं। गोपालपुर विसर्जन के दौरान सैदपुर में दो पक्षों में हुई मारपीट। मूर्ति विसर्जन के दौरान सैदपुर व तिनटेंगा करारी के युवकों के बीच आपसी विवाद में मारपीट हुई, जिसमें तिनटेंगा करारी के तीन चार युवा घायल हो गए। तिनटेंगा करारी के प्रिंस कुमार के आवेदन पर गोपालपुर थाने में सैदपुर के कुणाल वगैरह पर मामला दर्ज किया गया है, वहीं मामले में अनुसंधान किया जा रहा है। उक्त जानकारी थाना अध्यक्ष कुणाल आनंद चक्रवर्ती ने दी। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई फर्स्ट फ्लोर ऑटो स्टैंड नवगछिया NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल चाउमीन मोमोज बिरयानी नूडल्स सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारे। सुंदरम फास्ट फूड राजेंद्र कॉलोनी मोर स्टेशन के सामने नवगछिया। बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओए मार्ट है आपके लिए तैयार। ओए मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी और पाएं होम डिलीवरी। घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में। संपर्क करें 8340371787 7325052437। ओए मार्ट ऑनलाइन मार्केट। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट लाइट बोर्ड रेडियम बोर्ड नेम प्लेट नंबर प्लेट ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट गौशाला रोड पुरानी गैस ऑफिस के सामने नवगछिया। मोबाइल 7295830773 93043 67 170।